तो आप तस्वीर ये देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एंडोमॉर्फ बॉडी जो है किस टाइप की बॉडी होती है। अब बात कर लेते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी की। एक्टोमॉर्फ बॉडी वो टाइप की बॉडी होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं वो है तीन तरह की बॉडी, तीन टाइप्स की बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फ, देन एक्टोमॉर्फ, देन मेसोमॉर्फ। तो आज की टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी को भी दबा दो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए दोस्तों, आपको अपनी बॉडी टाइप का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि मेरी बॉडी किस टाइप की है तो आप अपनी बॉडी उतनी जल्दी से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोमॉर्फ बॉडी की। एंडोमॉर्फ बॉडी उस टाइप की बॉडी होती है लाइक उसके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जिस्म बहुत ज़्यादा ढीला ढीला सा होता है, उसकी बॉडी में ज़्यादा फैट होती है, उसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। आप जितना भी वर्कआउट कर लें, आप जितनी भी एक्सरसाइजेस कर लें, जितनी भी आप मेहनत कर लें, आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेट जाकर ट्रांसफॉर्म होती है, बहुत लेट जाकर बनती है। लाइक मेरी तरह जो बॉडी है वो है एंडोमॉर्फ बॉडी। एंडोमॉर्फ बॉडी में ये होता है कि आप हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं, हर तरह से अपने मसल्स को हीट करते हैं, पर आपके मसल्स की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी स्किन की लेयर, आपकी जेनेटिक्स, आपकी बॉडी जो है एंडोमॉर्फ है। दूसरे अल्फाज में अगर मैं बात करूँ, आपकी जिस्म जो है, जिल्द जो है ढीली ढीली सी होगी, लटकी लटकी सी होगी, इस टाइप की जो बॉडी होती है। मैं आपको स्क्रीन के अंदर तस्वीर भी दिखा दूंगा, आप तस्वीर ये देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एंडोमॉर्फ बॉडी जो है किस टाइप की बॉडी होती है। अब बात कर लेते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी की। एक्टोमॉर्फ बॉडी वो टाइप की बॉडी होती है जैसा कि एक बंदा श्रेड होता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब ये कि होता तो पतला सा है, पर होता क्या है, मस्कुलर है। तो अगर वो पतला बंदा जो मस्कुलर है, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसके एक तो स्ट्रेंथ भी गेन होती है, उसके मसल्स भी अच्छे तरीके से गेन होते हैं, पर उसकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा फैट नहीं आता। फैट आने से मतलब ये है कि लाइक अगर हम ज़्यादा खा लें, लाइक एंडोमॉर्फ बॉडी की मैं बात करूँ, जैसा कि मैं हूँ, तो हमारी बॉडी के ऊपर जल्दी फैट आ जाता है, जल्दी जो है हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। पर जो एक्टोमॉर्फ टाइप की बॉडीज है वो जितना भी खा लें उनको बहुत कम लगता है, वो बहुत मतलब उनकी बॉडी में इतनी जल्दी जो है क्या होता है, फैट नहीं बनता। उनके मसल गेन होते हैं पर उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा नहीं बनता, और उनकी बॉडी जो अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हो पाती है, उनके अच्छे तरह से सिक्स पैक विजिबल हो जाते हैं, और उनकी बॉडी जो है काफ़ी टाइट होती है। ये हो गए एक्टोमॉर्फ टाइप्स के बंदे या एक्टोमॉर्फ टाइप्स की बॉडी। अब बात कर लेते हैं मेसोमॉर्फ। वो लोग जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उनको बोलते हैं मेसोमॉर्फ बॉडी। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छी टाइप की बॉडी होती है वो होती है एक्टोमॉर्फ की बॉडी। अल्लाह ताला ने आपको जैसा भी बनाया है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, पर मैं ये जस्ट आपको क्लियर करना चाहता था कि एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ टाइप की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपकी बॉडी है एंडोमॉर्फ लाइक मेरी तरह, आपकी बॉडी बहुत लेट जाकर बनती है, बहुत कम से कम आपको जो ड्यूरेशन चाहिए होगा वो आपको कंटिन्यूसली ड्यूरेशन चाहिए होगा 3-4 सालों का, और आपने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जो एंडोमॉर्फ टाइप की बॉडी होती है वो बहुत लेट जाकर ट्रांसफॉर्म होती है, बहुत लेट जाकर बनती है। जबकि एक्टोमॉर्फ टाइप की बॉडीज वो होती है, आपने देखा होगा कि अगर दो बंदे, एक एंडोमॉर्फ बंदा और एक एक्टोमॉर्फ बंदा एक साथ जिम ज्वाइन करते हैं तो उनकी बॉडी एक दूसरे से अलग अलग बनेगी। फॉर एग्जांपल वो एक दूसरे के पार्टनर है, अब एक है एंडोमॉर्फ, एक है एक्टोमॉर्फ, अब ये एक ही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक ही टाइप की डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो इन दोनों को रिजल्ट डिफरेंट मिलने वाले हैं, दूसरे से सेम रिजल्ट इन दोनों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी टाइप अलग है, इस बंदे की बॉडी टाइप क्या है अलग है। और तीसरा बंदा जो है मेसोमॉर्फ, ये भी क्या है, एक बहुत ही पतला बंदा होता है, इस टाइप की बॉडी को बोलते हैं मेसोमॉर्फ। तो आपकी बॉडी जो भी है आपने डीमोटिवेट नहीं होना, जस्ट मोटिवेट रहना है, चाहे आपकी एंडोमॉर्फ बॉडी है या आपकी एक्टोमॉर्फ बॉडी है या आपकी मेसो टाइप की बॉडी है, तो आपने हमेशा जो है फॉरवर्ड करते रहना है, अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से फॉलो करते रहना है, आगे बढ़ते जाना, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। क्योंकि अक्सर लोग जो खासकर एंडोमॉर्फ बंदे हैं वो क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी से फैट जल्दी नहीं निकलता, उनकी बॉडी ढीली ढीली सी रहती है, उनकी बॉडी पर फैट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी हार्डनेस नहीं कर पाती लाइक जिस तरह के बंदे एक्टोमॉर्फ के कर पाते हैं। इसी तरह तो अगर आप एंडोमॉर्फ हैं तो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, चाहे आप
एक्टोमॉर्फ तब भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अगर आप मीजोमॉर्फ हैं तो तब भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। होप सो गाइस आज की वीडियो का हमारा ये था टॉपिक, जिसमें मैंने आपको एंडोमॉर्फ, एक बहुत ज़्यादा मोटे बंदे जो होते हैं या बहुत ही तगड़े बंदे होते हैं उनको बोलते हैं हम एंडोमॉर्फ, और एक्टोमॉर्फ टाइप की बॉडी वो टाइप की बॉडी होती है जो बहुत ही पतले पर मस्कुलर होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्टोमॉर्फ, और मीजोमॉर्फ जो बहुत ही पतले बंदे होते हैं उनको बोलते हैं हम मीजोमॉर्फ टाइप की बॉडी। तो आपने सो जो तीनों का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।